स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एनएसपी स्कॉलरशिप में जिन छात्रों ने सेशन 2023-24 या 2022-23 में अप्लाई किया था फॉरम, उन स्टूडेंट का क्या होगा, उन स्टूडेंट को पैसा कब मिलेगा, क्योंकि काफी से स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट जो है अभी तक रिलीज नहीं की गई है एनएसपी के द्वारा कुछ स्कीम्स की। तो वो छात्र 2024-25 का रिन्यूअल कैसे करेंगे या 2024-25 का फ्रेश भी अप्लाई कैसे करेंगे, उसके रिलेटेड में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कब तक आपको इंतजार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किन स्कीम को पैसा मिलेगा, किन छात्रों को पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसका पूरा तरीके मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, 4 से 5 मिनट की वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट देख के जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सब लेके जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, उसके बाद मैं आरटीआई भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने एक स्कीम का आरटीआई लगाया, तो स्कीम का आरटीआई इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बात है कि फर्स्ट वाले एनएसपी मेरिट लिस्ट में हमारा यस हो गया है, हमारे स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट है वो यस हो चुका है फ्रेश 2023-24, लेकिन हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है। सेंड टू पेपर्स भी हो गया है या किसी का नहीं हुआ है अभी मान लेते हैं, तो उनको पैसा मिलेगा नहीं। अगर आपका मेरिट में सिलेक्शन हो गया है तो 101% टका मान लीजिए आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अभी जिन भाइयों को पैसा मिला है, जैसे अभी अभी स्टेटस चेंज हुआ था, हमने 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या है कि जिन बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन हो गया तो उनका सेंड टू हो गया है, टोकन में जनरेट कर दिया, साथ में पीएफएमएस पर अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री या पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन मिनिस्ट्री शो कर रहा है, ऐसा उनका शो कर रहा है, तो उनको पैसा मिल जाएगा और उनको डेफिनेट मिल जाएगा। और वो छात्र जो है यहाँ पे रिन्यूअल का फॉर्म जो है यहाँ पे 24-25 का अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 24-25 का रिन्यूअल का फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है, आप सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। उससे बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, 2935 सब्सक्राइबर इसको जोड़िएगा, और एक और चैनल है हमारा स्कॉलरशिप मिलेगा इसमें अभियान है, इसमें 51 सब्सक्राइबर्स है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों में आपको अच्छा खासा अपडेट देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा फायदा आपका होने वाला प्राइवेट और गवर्नमेंट्स के साथ साथ, ठीक है। ये तो बात हो गया। अब दूसरी बात ये है कि भैया ये 2 महीने बाद बता दी कि मेरिट लिस्ट में यस हो गया, पेमेंट नहीं मिला, आप रिन्यूअल कर सकते हो, लेकिन मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज, एनएसपी में मेरिट लिस्ट में हमारा ब्लैंक शो कर रहा है तो हम क्या करें। दो चीज, अगर आपकी मेरिट लिस्ट जो है आगे से जारी नहीं की गई है, मिनिस्ट्री द्वारा जारी नहीं की गई है, तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो अभी ब्लैंक शो करेगा, उसमें अभी कोई इश्यू आपकी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जब तक रिलीज नहीं होगा आगे से तब तक आपको ब्लैंक होगा। लेकिन कहा सुनने में आ रहा है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनएसपी की तरफ से, कि आपका रिन्यूअल का फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है, तो रिन्यूअल वही स्टूडेंट अप्लाई कर रहे जिसका एटलीस्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो रखा हो, वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी आपकी जिन स्कीम की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, उन मिनिस्ट्री से जब मेरी बात हुई थी उन्होंने यही कहा है मेरिट लिस्ट जो है आपका इसी महीने या अगले महीने के आपका 15 तक देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि वो छात्र रिन्यूअल कर ही नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनकी डेट चली जाएगी तो वो बैठे रहेंगे, ठीक है। तो उनका यह है कि इस महीने या अगले महीने उनका आने के चांस है, मिनिस्ट्री द्वारा डबल वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग में कल एक वीडियो लेके आऊंगा, पूरा समझाऊंगा डबल वेरिफिकेशन का, पूरा आपको सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है। आज मैं टॉपिक पर बात करता हूँ, ठीक है। तो वो छात्र अभी जो है कुछ टाइम वेट करेंगे, ना अभी फ्रेश अप्लाई करेंगे ना अभी रिन्यूअल अप्लाई करेंगे, जब तक मेरिट लिस्ट रिलीज ना हो तब तक वेट करेंगे। दूसरी चीज है कि जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में रिलीज हो गया है आगे से, लेकिन फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में आगे ब्लैंक शो कर रहा है, सपोज डेट एक सीएसएस है या एक प्रगति स्कॉलरशिप है जिसकी मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसका नाम आ चुका उसका मेरिट लिस्ट में यस, जिसका नाम नहीं है उसका मेरिट लिस्ट का आगे ब्लैंक है, तो उन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। आपको अब 2024-25 में फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जरूरत है, आप 2024-25 में फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और एनएसपी रिन्यूअल कैसे अप्लाई करेंगे तो मैंने बता दिया, कल वीडियो बनाई है, परसों वीडियो बने, चैनल पे आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पे देखिएगा, साफ सुथरी वीडियो आपको मिल जाएगी बिना कोई गड़बड़ के, 101% पैसा आपको मिल के रहेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं भी छोड़ेंगे नहीं, साथ नहीं छोड़ेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगा आपको भी, स्कॉलरशिप जॉब्स एंड हब्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आरटीआई में क्या रिप्लाई है वो बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कुछ बच्चों का यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री हो चुका है, जिनका पैसा जो है इस महीने के एंड तक आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस के बाद जो अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने जो आरटीआई लगाया था वो यूजीसी और पीजी, जो भारी डिमांड है यूजीसी पीजी का, काफी सारे बोलेंगे सर यशस्वी के बारे में लगाएंगे, उस यशस का भी आरटीआई लगा दिया है, उसका रिप्लाई बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है।
यूजीसी पीजी का हमने लगाया है। इसमें देखो बात ये बोले कि 67,610 कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जिसमें से यहाँ पे बोला गया है बॉयज 26,637 को मैंने हमने पहले भी एक बार दिखाया था आपको ये चीज, और गर्ल्स में 40,940 यहाँ पे अप्लाई किया है। लेकिन दोबारा वही रिप्लाई आया है 10 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। कुछ वहां से कह रहे थे कि 10,000 तो ऐसे लिखा हुआ होंगे तो 30-35,000 सिलेक्ट होंगे जब मैंने उनको बोला, लेकिन आरटीआई द्वारा फर्स्ट लिख दिया गया है 10,000 स्टूडेंट भी सिलेक्ट होंगे, जिसमें से जो होगा 30-40% जो आंकड़ा होता है वो गर्ल्स का होगा। तो मतलब है कि इसमें 10,000 में से 3-4 जो है गर्ल्स सिलेक्ट होंगे, और गर्ल्स का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है भाई साहब, 40,940 जो है गर्ल्स का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहेगा खासकर बॉयज की तुलना में। तो गर्ल्स की ये परसेंटेज काफी हाई जाएगी बॉयज की तुलना में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है मेरिट लिस्ट आने ही वाला है बहुत जल्द चांसेस है। इंद्रजीत सिंह जो है सर है उन्हें डबल वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया गया है, तो बहुत जल्द इसी महीने या अगले महीने 15 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये स्कीम इस बार लॉन्च हुआ है तो मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हम अंदाजा लगा नहीं सकते, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट आई नहीं थी क्योंकि नया स्कीम आया है, ये चीज पहले पीजी रैंक होल्डर वगैरह हुआ था। लेकिन अमूमन ये मान लीजिए जिसकी 86% प्लस है जनरल कैटेगरी में, 85% प्लस चांसेस है, फैमिली इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है बन जाएगा सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है, भगवान की दया से आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डबल वेरिफिकेशन क्या गणित चल रहा है मिनिस्ट्री द्वारा उसका बताएंगे, लेकिन अभी के इतना ही। जो बच्चे का मैं अभी सिनेरियो समझा वो बच्चा अभी जाके रिन्यूअल कीजिएगा, वीडियो देख के लाइक जरूर कीजिएगा और